दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मायावती राजनीति से कोसों दूर होती जा रही हैं और दिनों दिन बसपा अपना वर्चस्व खोती जा रही है। बसपा का एससी वोटर अपनी राहें दूसरी पार्टियों में देख रहा है। इसका असर है कि मायावती का बहुजन आंदोलन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इन सब पर बात होगी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट देखने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और खबर को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित ब्राह्मण का प्रयोग विफल होने के बाद इन दिनों आम चुनाव 2024 के लिए नया प्रयोग करने की तैयारी कर रही हैं और मायावती अब दलित मुस्लिम समीकरण बनाती नजर आ रही हैं। हालांकि इस समय बीएसपी के लिए केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अस्तित्व को बचाने की भी चुनौती है। मायावती उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति से काफ़ी समय तक दूर रहीं और चुनाव के बाद फिर से शांत हैं। उनकी शांति मानो ऐसा बताती हो कि उनके जो पर्सनल सपने थे वो पूरे हो गए हों और उनमें दलित उद्धार वाले सपने को पूरा करने की ताकत नहीं रही है। दोस्तों, प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इससे ऐसा लगता है कि क्या बीएसपी में अब राजनीति करने की दम नहीं रही है या कार्यकर्ता उनके खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, बीएसपी की स्थापना 1984 में दलित नेता कांसीराम ने की थी और बीएसपी ने मायावती के नेतृत्व में साल 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार का गठन किया था। इससे पहले बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग को 2007 में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। मुस्लिम ब्राह्मण और दलितों ने मिलकर बसपा के पक्ष में 72 वोट किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बीएसपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और मायावती उत्तर प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री बन गईं। मायावती को 403 सीटों में से विधानसभा में 206 सीटें प्राप्त हुईं। मायावती ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया और बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात मायावती करने लगीं। हालांकि ब्राह्मण 80 के दशक के आखिर से यानी अयोध्या आंदोलन के समय से बीजेपी के साथ थे और मुस्लिम भी 1993 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय उनके साथ हो गई। लेकिन साल 2007 में बीएसपी के साथ ये सभी आए, मगर इस समीकरण को बीएसपी अधिक समय तक नहीं संभाल सकी और ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों अपनी पार्टी से छिटक गए और अपने अपने दलों में वापस लौट गए। विधानसभा चुनाव 2012 में दोनों अपने पुराने घरों में चले गए और सपा ओबीसी और मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता में आ गई। इस चुनाव के बाद से बीएसपी उत्तर प्रदेश में काफ़ी कमजोर हो गई। बीएसपी 2012 से अब तक 2 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव जबरदस्त तरीके से हार चुकी है। इस समय प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा में बीएसपी का केवल एक विधायक है और उसका वोट बैंक भी कम होकर 12% तक आ चुका है। यह वोट बैंक कभी बीएसपी में 20-25% तक रहता था। इस बीच मायावती ने कई राजनीतिक प्रयोग भी किए लेकिन 2012 के बाद वे सभी विफल रहे। आम चुनाव 2019 में उन्होंने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी सपा के साथ हाथ मिलाया लेकिन केवल प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर ही बीएसपी कामयाब रही। इसके बाद मायावती ने सपा का हाथ झटक दिया और 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण दलित समीकरण बनाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए पार्टी ने अपनी विचारधारा से अलग जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया। इससे ब्राह्मण समाज तो बीएसपी के साथ नहीं आया लेकिन इसका नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम समाज भी बीएसपी से दूर चला गया। बीएसपी के लिए इससे बड़ा झटका यह था कि उसका दलित वोट बैंक का भी एक बड़ा हिस्सा दूसरी पार्टियों में बट गया। अब मायावती आम चुनाव 2024 से पहले मुस्लिम दलित समीकरण बनाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। हालांकि यह इतना सरल नहीं है क्योंकि बीएसपी में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। बीएसपी का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस में जा चुके हैं। हालांकि अभी हाल ही में मायावती ने कांग्रेस में सपा से गए इमरान मसूद को बीएसपी में शामिल किया है लेकिन मसूद का असर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में मायावती के खिलाफ नाराजगी भी है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के ऊपर बीजेपी सरकार में हुए अत्याचारों के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती में इस बात का भय है कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष दलित समाज से बनाकर अपने पुनः प्रवर्तन के लिए बीएसपी वोट बैंक में सेंध न लगा दे। दलित चिंतक इस बात को लेकर विचार भी कर रहे हैं कि बहुजन आंदोलन को कैसे बचाया जा सकता है क्योंकि वह मानते हैं कि बीएसपी के पतन के साथ बहुजन आंदोलन भी कमजोर पड़ता जा रहा है। फिलहाल कोई नया दलित नेता भी उभरता नजर नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था क्योंकि वह दलित उत्पीड़न के विरुद्ध सक्रिय रहते हैं लेकिन दलित चिंतक मानते हैं कि चंद्रशेखर सक्रिय तो हैं लेकिन उनकी राजनीतिक समझ अभी कम है। दलित बुद्धिजीवी मानते हैं कि मौजूदा समय में दलितों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं
लेकिन ना कोई दलित एजेंडा सामने है और ना ही कोई बड़ी लीडरशिप। यहाँ समझना जरूरी है कि बीएसपी यूपी 2022 में मजबूती से चुनाव लड़ रही होती तो दलित वोटों में बिखराव बिल्कुल भी नहीं होता। अब मायावती ने सिर्फ बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, बल्कि वह तो कभी कभी बीजेपी के पक्ष में काम भी करती नजर आती हैं। मायावती जी कभी दलित ब्राह्मण समीकरण बनाने की कोशिश करती हैं तो कभी उसमें विफल होने पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश करने लगती हैं। मानो ऐसा लगता है कि मायावती की राजनीति अब हाशिए पर चली गई हो और उनका दोबारा उभरना संभव नजर नहीं आ रहा हो। मायावती संकट के समय पुराने लोगों को जोड़ने के बदले राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती हैं। मायावती इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एक सीट पर ही सीमित रह गई। मायावती की राजनीति में सक्रियता खत्म होने के साथ बहुजन राजनीति भी कमजोर हो रही है। बीएसपी के लिए सरकार बनाना तो दूर, अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो रहा है। इन सबके इतर कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि मायावती और उनके भाई पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर है, जिसके चलते राजनीतिक तौर पर वे निष्क्रिय बनी हुई हैं। इस आशंका की अपनी वजह भी हैं, लेकिन एक सवाल मुस्लिम समाज एक और पैदा कर रहा है कि आखिर क्या कारण रहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने की बात पर मायावती ने खुला समर्थन किया और संसद में बीजेपी सरकार के समर्थन में भी खड़ी रहीं और उन्होंने वोट भी दिया। यहां तक कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ बोलने के चलते अमरोहा के सांसद दानिश अली को सजा भी मिली थी और उन्होंने लोकसभा में पार्टी के नेता पद से हटा दिया गया। नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी को लेकर कांग्रेस ने जब विपक्षी दलों की बैठक बुलाई तो बीएसपी उसमें अनुपस्थित रही थी। फिलहाल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मायावती की भूमिका क्या होगी, उनकी पार्टी कितनी सीटें हासिल करेगी, इन सब को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर बड़े स्तर से चल रहा है और मायावती जी को अब आगे आना चाहिए। उनके खिलाफ जो जांचें हैं वो अपनी जगह पर हैं, वे लगातार चलती रहेंगी। राजनीति है, ईमानदारी से पटल पर दोबारा आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। एक प्रयास उन रूठों को मनाने के लिए करना चाहिए जो कभी उनके थे। हाँ, आपने अपनी राजनीति में ओबीसी समाज को तवज्जो कम दी है, उनको आगे लेकर अखाड़ा दोबारा तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी आज की पेशकश। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और लगातार आप हमारी सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आपका प्रयास हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करेगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, शुक्रिया।